अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सजाद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रॉपर्टी फरोश। आप लोग मज़े से अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे होंगे और आप लोग की पहली प्रायोरिटी होगी कि कोई ऐसी सोसाइटी मिले जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। जाहिर सी बात है, ओवरसीज़ क्लाइंट हैं और इधर पाकिस्तान के अंदर भी रहने वाले ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो वीडियोज़ देखते हैं सोसाइटीज़ का, हम विज़िट कराते हैं, वो वीडियोज़ देखते हैं, फिर वो हमसे पूछते हैं कि इस सोसाइटी के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो अभी हम मौजूद हैं नोवा सिटी के अंदर। मैं जहाँ पर खड़ी हुई हूँ, ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर इर्द गिर्द देखा जाए तो ओवरऑल आपको नज़र आएगा कि सोसाइटी की मेन एंट्रेंस, उसके बाद लेफ़्ट राइट लैंड लेवलिंग का काम, बोर्ड जो लगे हुए हैं, पौधे वगैरह, सब चीज़ें आपको एक ओवरव्यू देखें, ओवरव्यू लिया जाए तो आपको सारा चीज़ें नज़र आएंगी। पौधे भी लगाए गए हैं। अगर हम आते हैं तो रोड बना हुआ है तकरीबन यहाँ तक आने तक, रोड खूबसूरत कारपेटेड रोड है। उसके अलावा जिम, स्पोर्ट्स के लिए फुटसल एरिया, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, उसके बाद मॉस्क वाला जो एरिया है, फिर उसका एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है। मतलब मैं यहाँ पे मेन एरिया में खड़ी हुई हूँ, जो मेन आपको पता है किसी सोसाइटी के अगर मेन एरिया तो वो कमर्शियल एरिया होता है। जाहिर सी बात है यहाँ पे मेन चीज़ें, जैसे सामने बिल्कुल एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर मॉस्क लिखा हुआ है। तो अभी ये मॉस्क की जगह उन्होंने मख्तस कर दी है और इंशाल्लाह इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम भी जल्द से जल्द जारी हो जाएगा। बैक साइड पर अगर आपको दिखाऊँ तो स्विमिंग पूल बन रहा है। जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ जिमर्स होते हैं जिनको जिम लगाने का शौक है, स्पोर्टी होते हैं बहुत सारे लोग जो बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, बैडमिंटन खेलना चाहते हैं। इस तरह स्विमर्स के लिए भी उन्होंने अलग से एक एरिया बनाया है जहाँ पर वो आकर अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। अगर प्लॉट कटिंग्स की बात की जाए तो इसके अंदर 5-7-10 मरला, एक कनाल और दो कनाल के रहायशी प्लॉट्स यहाँ पर मौजूद हैं। लैंड लेवल के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो सोसाइटी ने ऑलमोस्ट जो है लैंड लेवल सारा तकरीबन हो चुका है और इसके बैक एंड पे भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट का जो काम है, मशीनरी वगैरह, वो भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। सामने अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा शटरिंग का सामान पड़ा हुआ है, तो फ्यूचर में मेरे ख्याल से यहाँ पे जो शटरिंग का सामान उन्होंने फेंका है, यहाँ पे भी कुछ बनने जा रहा है। इसका भी कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे भी कोई डेवलपमेंट का काम होने जा रहा है। तो आपको पूरी सोसाइटी का ऑलमोस्ट हमने विज़िट कराया, बताया कि क्या क्या सोसाइटी के अंदर है, किन किन प्लॉट कटिंग्स को ये लोग दे रहे हैं, आप लोग किन किन को ख़रीद सकते हैं, कहाँ कहाँ अच्छा ऑप्शन है, कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोसाइटी का ज़रूर विज़िट करें ताकि आप लोग को आइडिया हो, आप लोग को आइडिया हो कि आया ये सोसाइटी आपके इन्वेस्टमेंट के काबिल है या नहीं। लोकेशन के हवाले से तमाम आपको बताया कि सोसाइटी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर ख़त्म होती है, कौन कौन से एक्सेसिबल रोड्स हैं जहाँ से आप लोग सोसाइटी के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो अपनी जो प्रायोरिटीज़ है वो यही रखें कि सोसाइटी के अंदर सबसे पहला जो काम है देखें कि डेवलपमेंट का काम किस हद तक है, सोसाइटी क्या क्या प्रोवाइड करेगी। तो नोवा सिटी को जो डेवलप करें वो नोवा डेवलपर्स ही हैं इनके डेवलप करने वाले। तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमसे राबता करें, सोसाइटी को विज़िट करें, क्योंकि हम लोग कंसल्टेंट्स भी हैं, आप लोग को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, आप लोग को बताएंगे कि कौन सी सोसाइटी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है या नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।